सत श्री अकाल जी, बॉली हॉली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं जगमीत बराड़ बहुत बहुत स्वागत करदा। दोस्तों, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो बहुत ही दुखदाई खबर सामने आ रही आ। नामवर गीतकार सेमा तलवंडी वाला इस संसार विच नहीं रहे, उन्हां दा देहांत हो गया। उन्होंने अनेक ही सुपरहिट गीत पंजाबियों की झोली पाए, जिमें हंबगी बनाउंदी मैं तां चाह पटवारी आ, मैनू कहिंदा खंड दी पूड़ी, मुंडा सजरे मक्खण दा पेड़ा, ते इस तों बिना भी उन्हां दे अनेक गीत सुपरहिट होए। सो दोस्तों, नामवर गीतकार सेमा तलवंडी वाले ने अपने जीवन में हमेशा ही साफ सुथरे गाने गाए। सो आपां उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई सेमा तलवंडी वाला दी बायोग्राफी लैके हाजिर होए हां। सो तुसीं इह वीडियो शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखो। सो आपां अज दी वीडियो विच सेमा तलवंडी वाला जी दी लाइफ बारे, उन्हां दी फैमिली बारे, उन्हां दे करियर ते संघर्ष बारे पूरे विस्तार विच गलबात करांगे, ते इस दे नाल ही उन्हां दी मौत दे असल कारण बारे भी आपां चर्चा करांगे। सो तुसीं वीडियो नूं शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखो, ते बाई नूं श्रद्धांजलि देने लई चलदी वीडियो नूं लाइक जरूर करो। सो दोस्तों, हुण तुहाडा ज़्यादा समां ना लैंदे हो, सब तो पहला आपां सेमा तलवंडी वाला जी दे जीवन ते इक झात मारदे हां। सेमा तलवंडी वाला दा जन्म 26 फरवरी 1966 नूं माता करतार कौर दी कुखों ते पिता सरदार बाऊ सिंह दे घर पिंड तलवंडी राय तहसील रायकोट जिला लुधियाणा पंजाब विखे होया। बचपन तो ही सेमा जी नूं गीतकारी का बहुत ज़्यादा शौक सी। जदों ओह 8वीं क्लास विच सी तां उन्होंने पहली बार एक कविता लिखी। सेमा तलवंडी जी ने अपनी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई पिंड दे ही स्कूल तो पूरी की, उन्होंने बीए करन लई GHG खालसा कॉलेज सुधार विखे दाखला लिया, पर पिता की डैथ होने तो बाद उन्होंने अपनी BA अध विचकार छड्डनी पई। पर उन्होंने अपने गीतकारी का शौक जारी रखा, तो बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने गीत लिखने में काफ़ी महारत भी हासिल कर ली, क्योंकि वह दिन रात गीत लिखने की प्रैक्टिस करते रहते। जदों सेमा जी 10वीं क्लास में हुए तो उन्होंने अपनी जान पहचान पंजाबी सिंगरां नाल वधाउणी शुरू की। सो इस कारण वह अक्सर ही सिंगरां नूं मिलन लुधियाने जाया करते, तो लगभग 2 साल वह अलग अलग सिंगरां नूं लुधियाने जाके मिलते रहते ते अपने गीत दिखाते। उन्होंने एक निजी चैनल के उत्ते इंटरव्यू दौरान दस्या कि सिंगर मेरे तो गीत फड़ के रख लेंदे सी ते कह दिंदे सी कि गाने बहुत वधिया, पर वह गीतां नूं गा नहीं रहे सी। इस कारण उन्होंने किते ना किते निराशा भी जरूर हुंदी सी, पर सेमा तलवंडी वाला ने कदे भी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा अपने गीतकारी दे काम विच लगे रहिंदे सी। ते इसे तरह फिर उन्हां दी एक दिन मुलाकात हुई स्वर्गवासी गायक दीदार संधू नाल। ते दीदार संधू ने जदों सेमा तलवंडी वाले दे लिखे हुए गीत पढ़े ते उन्होंने कहा कि सेमे तेरी कलम बहुत वधिया, तू बहुत सोहना लिखदा, एक दिन तू जरूर कामयाब होऊंगा। सो दोस्तों, फिर इसे तरह वह मेहनत करते गए, तो एक दिन उन्होंने मेहनत रंग लियाई। उन्होंने पहला गाना जीती सिद्धवा वाले की आवाज़ में रिकॉर्ड होया। गीत सी कदे लोड़ पई तां परख लई असी फिर भी हाजिर होवांगे। सो इस गाने नूं दर्शकां ने भरपूर प्यार दिता। इस तों बाद कदे भी सेमा तलवंडी वाले ने पिछे मुड़ के नहीं देखिया। उन्होंने एक तो बाद एक कई सुपरहिट गाने पंजाबियों की झोली पाए, जिमें उन्होंने गाने करतार रमला जी ने गाए, धर्मप्रीत ने गाए, दर्शन खेला, गुरलेज अख्तर, जैसमीन अख्तर, सुदेश कुमारी, हरजीत सिद्धू, अफसाना खान, इस तों बिना भी अनेक ही गायक उन्होंने गाने हुण तक गा चुके आ। इस तो बिना उन्होंने नामवर गायक हरजीत सिद्धू नूं मार्केट विच लैके आंदा। उन्होंने हरजीत सिद्धू की दुगाना टेप की सी, बोल मेरी ये जाने, ये एल्बम सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों, वैसे तो सेमा तलवंडी वाला जी ने जिन्हें भी गाने लिखे वह हिट होया, पर जेकर आप कुछ सुपरहिट गीतों की गल कर लिए जो कि अज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर आ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੰਬਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡ ਦੀ ਪੂੜੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੱਜਰੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਬਰਾਤੀ, ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸੇਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸੇਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੈਨਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸੇਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ,
ते इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर दिओ तां जो वध तों वध लोक सेमा तलवंडी वाले दे जीवन ते संघर्ष बारे जाण सकण ते होर ताज़ा अपडेट्स लई अपने चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ते नाल आ रहे बैल दे बटन ते क्लिक कर दिओ तां जो अपनी हर एक वीडियो तुहाडे तक सब तों पहलां पहुँच सके। सो जी इन्ने शब्दां नाल मैनूं जगमीत बराड़ नूं दिओ इजाज़त, मिलदे आ किसे होर वीडियो नाल। सति श्री अकाल जी।